हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पीलिया के दो सिरप। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों सिरप मैं आपको दिखा देती हूँ, एक एक करके दोनों सिरप की डिटेल दूंगी मैं आपको कि आपके पीलिया की जो समस्या है वो कैसे खत्म होगी। तो पहले हम बात करते हैं जॉन्डिला सिरप के ऊपर। आपके पीलिया के सिम्टम्स कवर होंगे इस सिरप में। ऐसे पेशेंट जिनका पीलिया बढ़ जाता है, पीलिया बढ़ जाने के कारण क्या होता है, पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ जॉन्डिला सिरप से मैच करेंगे। पेशेंट को पीलिया की समस्या है, पेशेंट का जॉइंटिस बढ़ गया है, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये जो सिरप है आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा। पीलिया में क्या होता है कि जब पीलिया ज्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का, तो उससे पता चलता है कि जो पेशेंट है, पेशेंट को पीलिया हो गया है। बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, तो वीकनेस को कवर करने में ठीक करेगा। पेशेंट को जब पीलिया हो जाता है तो वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग पेशेंट को बार बार होती है, ऐसे लगता है भूख बिल्कुल नहीं लगती है। साथ में कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को बना रहता है, खाना सही से नहीं पचता है, ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। साथ में नेल्स होते हैं हाथ के पैर के, वो आपको पीले देखने को मिलेंगे अगर पीलिया ज्यादा बढ़ गया है तो। अगर कम है तो नहीं देखने को मिलेगा। अगर पीलिया का जो एक रेंज होती है उस रेंज से बढ़ जाए पीलिया, ज्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट की आंखें एकदम पीली देखने को मिलेंगी, पेशेंट का हीमोग्लोबिन एकदम डाउन हो जाएगा। ताकि जो पीलिया का रेंज है, मतलब जो बिलिरुबिन टेस्ट करवाए हैं आपने, उसकी जो रीडिंग है वो कितनी आई है, 5 आई है कि 6 आई है, कितना है पेशेंट को पीलिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है, पेशेंट को कितना पीलिया है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को और बॉडी में सिम्टम्स नजर आएंगे। पेशेंट को पीलिया हो गए तो उस पीलिया को भी पूरी तरह से खत्म करने में हेल्प करेगा, पेशेंट की भूख बढ़ाने में हेल्प करेगा। धीरे धीरे पेशेंट को भूख बढ़ेगी तो पेशेंट का डाइजेशन सही से होगा, जब पेशेंट का डाइजेशन सही से होगा तो पेशेंट अच्छे से खाना खाएगा, जब पेशेंट अच्छे से खाना खाएगा तो ऑटोमेटिक पेशेंट का हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। उनको पीलिया हो जाता है तो आप उस टाइम SGOT SGPT टेस्ट करवाते हैं, तो इसकी जो रीडिंग होती है आपको बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी, जिसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट है आप ये टेस्ट करवाते हैं तो पेशेंट को भूख बिल्कुल नहीं लगती। अगर आप LFT करवा लेते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें पूरा डिटेल आ जाता है। जो प्राइस है 150 रुपीज है, तो ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ये जो सिरप है आपको मिल जाएगा होम्योपैथी फार्मेसी में, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर। नेक्स्ट सिरप का नाम है लिफ्टी, SBL कंपनी का सिरप है, तो प्राइस है 130 रुपीज है। ये दोनों सिरप में होम्योपैथी मेडिसिन मिली पीलिया को पूरी तरह से खत्म करने में हेल्प करेगी। पेशेंट को पीलिया हो जाता है तो पेशेंट की जो बॉडी होती है एकदम वीक हो जाती है, पेशेंट एकदम दुबला होता जाता है, पेशेंट की बॉडी में एकदम आप येल्लोनेस देखने को आपको मिलेगी। अगर पेशेंट को पीलिया ज्यादा हो गया है तो पेशेंट के आंखों में पीलापन देखने को मिलेगा, पेशेंट यूरिन पास करने जाएगा तो उसमें आपको पीलापन देखने को मिलेगा, पेशेंट को भूख सही से नहीं लगती है, पेशेंट को गैस बहुत ज्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहता है, वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है पेशेंट को, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, कई बार ऐसा लगता है पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाएगी, पेशेंट को तो बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, कि भूख बढ़ाने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ये जो दोनों सिरप मैंने आपको बताई, लिफ्टी और जॉन्डिला सिरप, ये दोनों सिरप में से कोई भी एक सिरप आप ले सकते हैं, आपके जो जॉन्डिस की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। लगभग दोनों के सिम्टम्स जो है पूरे मैच करते हैं, तो आप ये दोनों में से कोई भी एक सिरप ले सकते हैं पीलिया के। पेशेंट की जो कंडीशन है ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, पेशेंट के बॉडी में पीलिया नजर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद मेडिसिन लीजिए। ये मैंने सिर्फ नॉर्मल जिनको बिलिरुबिन रहता है, जिनकी मेडिसिन चल रही है, और वो और एक्स्ट्रा मेडिसिन नेचुरल मेडिसिन लेना चाहते हैं तो ये मेडिसिन दोनों सिरप ले सकते हैं। तो जॉइंटिस हो गया है तो उनके लिए दोनों सिरप तो लेंगे ही, साथ में एक और एडवाइस देती हूँ मैं आपको, खून बढ़ाने के लिए आप हेमडेक्स सिरप ले सकते हैं, और साथ में एक और सिरप बता देती हूँ मैं, अल्फा अल्फा सिरप भी आप ले सकते हैं। ये दोनों सिरप आप लेंगे, लेकिन दोनों जो सिरप है आपको 1-1 घंटे का गैप रखिएगा, उसके बाद आप लीजिएगा। जॉइंडिला और लिफ्टी सिरप भी लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको जो पीलिया की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे से चली जाए। जॉइंडिला सिरप आपको लेना है, मॉर्निंग में 2 चम्मच लेना है और नाइट में 2 चम्मच लेना है। लेते हैं तो सिरप लेने के 1 घंटे बाद ही कुछ खाइएगा, और जो सिरप लेंगे आप खाली पेट लीजिएगा। चिल्ड्रन पेशेंट है, बच्चे हैं, 1 चम्मच मॉर्निंग में लेंगे और 1 चम्मच नाइट में लेंगे। लिफ्टी लीवर सिरप जो है मॉर्निंग में 2 चम्मच लीजिए, नाइट में 2 चम्मच लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।